Sir, two terrorists spotted. Confirm weapons. So, क्या लगता है? मुझे लगता है तो इसी रास्ते एलओसी की तरफ जाना। No, see, there's too much ammunition and explosives, and this army grade reference, local contacts के नाम नंबर, and most important, हिजबुल मुजाहिदीन का पैम्फलेट। ये सैयद मूसा का ग्रुप है। इस नाले को यहाँ से क्रॉस करेंगे, and this is where we can intercept. इन्फॉर्म कर दो, बॉडीज कलेक्ट कर लेंगे। We'll move to intercept. You'll move away. This is your chance. Chal. Lead the search. Sir. Sir, I've spotted a radio signal and some equipment. Go ahead, clear it. तो दो मार दिए, एक मार दिया। Let's move. देरा हो गया सर। I think we should seize the operation for today and start on first light. We can't afford to. सैयद मूसा फिदाई एक्सपर्ट है। अगर इन लोगों को आज रात नहीं रोका, कल सुबह तक हमारे किसी मिलिट्री बेस पर अटक हो जाएगा। और जा। Get ready to move.
चौधरी, थैंक यू सर। मिशन तो सक्सेसफुल हो गया सर, लेकिन जैसे तुमने किया काफी गड़बड़ हो सकती थी। पर गड़बड़ हुई नहीं सर। तुम्हारे तरीके दिन ब दिन ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते जा रहे हैं चौधरी। जैसा तुम्हारा कंडक्ट है, फिर वो चाहे फील्ड में हो या ट्रेनिंग में, वो कोई रूल बुक फॉलो नहीं करता। सर, रूल बुक से कार्डबोर्ड पे निशाना लगा सकते हैं, असली लड़ाई नहीं लड़ सकते। एंड दिस इज माय बिगेस्ट वरी चौधरी, दिस एटीट्यूड, रूल्स को एब्सोल्युटली डिसओबे करना, बदतमीजी करना। एंड यू नो, एक भी ऐसा ऑफिसर नहीं है जिसने तुम्हारे बारे में अच्छा फीडबैक दिया हो। सर, उनके फीडबैक के लिए तो स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन भी नहीं किया है। और ये जो तुमने इस बार किया कैप्टन दीप के साथ, अंधेरा हो जाने के बावजूद जंगल मिशन में आगे बढ़ना, सबसे जूनियर ऑफिसर को पहले पहले आगे भेजना, ये कोई समझदारी का काम है चौधरी? सर, एंड रिजल्ट तो वही मिला ना जो हमें चाहिए था। आई हैवंट फिनिश्ड येट चौधरी, तुम्हें बहुत बचा के रखा गया अब तक, बट यू आर बिकमिंग अ रॉग ऑफिसर नाउ। ईदर यू मेंड योर वेज और बी रेडी टू फेस सम टफ एक्शन। थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर, लेकिन जहां तक खुद को बदलने का सवाल है, सॉरी, नॉट पॉसिबल। मेरा काम है हर सोल्जर और ऑफिसर को बुरी से बुरी कंडीशन के लिए तैयार करना, फिर वो चाहे ट्रेनिंग हो या लाइव मिशन। और ये सिर्फ मेरी नहीं सर, हर सीनियर ऑफिसर की ड्यूटी है। लेकिन अगर आपको और दूसरे ऑफिसर्स को लगता है मेरे तौर तरीके ठीक नहीं है, आई अंडरस्टैंड, इसलिए अच्छा यही होगा कि तौर तरीके अपनी तरह चलते रहें। मैं चला जाता हूं। आई सेंड यू माय रेजिग्नेशन सर। I'll take your leave now. Jensen. Hello. मैं कर्नल रंजीत चौधरी से बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, एक मिनट साहब। साहब आपका फोन, साहब आपका फोन। हेलो, कर्नल रंजीत चौधरी, दिस इज जया स्पीकिंग, मेजर दीप सिंह सैंकर्स वाइफ। मुझे आपसे दीप के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। हेलो, रॉन्ग नंबर। हेलो कर्नल प्लीज सिट। थैंक यू। आई एम सॉरी, डू आई नो यू? सर, आई एम जया। मैंने आपको फोन किया था। आई एम मेजर दीप सिंह सेंगर्स वाइफ, मेजर दीप जो आपके साथ। यस यस यस, जानता हूँ मैं। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? नहीं कुछ नहीं, मैंने पानी पी लिया, आई एम गुड। काफी दूर से आई है, हैव समथिंग? चाय ले लूंगी। सर, एक्चुअली यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल था, किसी के पास आपका एड्रेस नहीं था, फिर जाके आपकी एक्स कली कर्नल आशीष शर्मा से आपका पता मिला और मैं यहाँ तक पहुँची। आई एम सॉरी जया जी, आप यहाँ तक कैसे पहुँची हैं? आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन दैट। क्यों आई हैं? सर, आपकी मदद चाहिए। किस लिए? दीप
दीप हार रहा है, जिंदगी की लड़ाई से वो हार रहा है। और उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे लगता है आप ही हो जो उसे बचा सकते हो। क्यों लगता है आपको ऐसा? मोहन सबसे दूर होता जा रहा है जो उसके पास है, अपने आप से भी। सर मैंने सुना है कि एसएफ ट्रेनिंग के दौरान आपने दीप को जिस तरह से पुश किया, उसने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा और जिंदगी की इस मोड़ पर दीप को उसी जिद की जरूरत है जो सिर्फ आप ही दिलवा सकते हो। दीप जानता है आप मेरे पास आई हैं? आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है क्या नहीं लगता है, that really doesn't matter, does it? सर क्या आप हमारी मदद करेंगे? मदद उनकी की जाती है जो मदद लेने के लिए तैयार हो। मुझे नहीं लगता है कि दीप सर आपको नहीं लगता है कि एनीवेज चाय पीजिए, लंबा सफर है, थोड़ा आराम कर लीजिए। इफ यू नीड एनीथिंग प्लीज डोंट हेजिटेट। दैट्स विष्णु, मैडम का ख्याल रखिए। एक्सक्यूज मी सर, बट आई जस्ट